हेलो फ्रेंड, मैं कुमकुम सिंह। कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं चना दाल की चटनी बनाने जा रही हूँ। इसे आप इडली के साथ, डोसा के साथ, पकौड़ा, सैंडविच, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं चना दाल की चटनी बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसे रोस्ट करूँगी। अब ये दाल हल्का ब्राउन हो गया है, थोड़ा खुशबू भी आने लगा है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये चना के दाल में मैं इतना नारियल डाल रही हूँ, ये सूखा नारियल है, इसे मैं भिंगाऊंगी। आप इसमें हरा नारियल भी डाल सकते हैं और इस नारियल का मात्रा ज़्यादा और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और इसमें अब मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे मैं रात भर के लिए भिंगो के छोड़ दे रही हूँ, या आप 4 घंटे में भी ये भींग जाता है, अच्छे से फूल जाता है। चना दाल की चटनी बनाने के लिए चना दाल और ये नारियल जो सूखा नारियल को मैं काट करके रात भर भिंगो दी हूँ। अब ये फूल गया है पूरा अच्छे से। अब इसमें मैं ये 5 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये लहसुन की कलियाँ मैं डाल के मिक्सी में पीसूँगी। मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ इसमें, ये हरी मिर्च और ये लहसुन की कलियाँ, और ये पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ नहीं। देखिए अब ये इस तरह का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें छौंक लगा रही हूँ। देखिए इस तरह का थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाइए, इस तरह का पेस्ट तैयार कर लीजिए। 1 चम्मच थोड़ा सा छौंक के लिए इसमें ऑयल डाली हूँ। ये है सरसों का बीज, ये कड़ी पत्ता और राई का छौंक लगा दी हूँ। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ। मैं इसमें छौंक में कड़ी पत्ता और राई ऑयल में ये करके फ्राई करके डाल दी हूँ। इसमें नमक डालती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे मिला देती हूँ। ये चटनी अब तैयार है किसी भी चीज़ के साथ। ये चटनी अब तैयार हो गया है। इसे आप इडली के साथ, डोसा के साथ, या कटलेट हो, किसी भी चीज़ का सैंडविच के साथ, सब की चीज़ किसी भी चीज़ के साथ इसे परोस सकते हैं।